फर्निश शानदार विला जिसमें चार बेडरूम्स हैं वो दिखाने जा रहे हैं। और यहाँ इस विला की खास बात, यहाँ में रखा हुआ फर्नीचर और यहाँ की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है क्योंकि ऐसा घर आपको भी मिल सकता है और आसान एक साथ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म BTK अपडेट्स मुदस्सर इकबाल और BTK होम्स देख रहे हैं। आज बहरिया टाउन कराची प्रीसेंट 1 में एक फर्निश शानदार विला जिसमें चार बेडरूम्स हैं वो दिखाने जा रहे हैं। और यहाँ इस विला की खास बात, यहाँ में रखा हुआ फर्नीचर और यहाँ की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है। तो ये मेरे पीछे आप गली देख रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त बाहर लॉन तैयार किया गया है। 10 मरले का ये घर है जिसको आज हमने आपको दिखाना है। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है क्योंकि ऐसा घर आपको भी मिल सकता है और आसान एक साथ में। पूरी वीडियो देखें ताकि आपको बेहतर चीज़ मिल सके। आइए मेरे साथ। जी एंटर हो चुके हैं और घर में एंट्रेंस के बाद यहाँ पर आप बहुत आसानी से एक SUV या सेडान कार जो भी आपके पास है आप खड़ी कर सकते हैं। अगर आपके पास दो हैं तो एक बाहर और एक किस जानी आप खड़ी कर सकते हैं। अच्छा, जैसे हम एंटर हुए हैं तो मेरे बाएं जानेब छोटा सा लॉन तैयार है, जो बड़ा लॉन है वो बाहर की जानेब है। और अब हम अभी जा रहे हैं इस दरवाजे से अंदर। अंदर क्या है, बहुत ख़ास है। आइए ज़रा चले मेरे साथ। जनाब अंदर आ गए हैं और अंदर आते ही बड़ी ज़बरदस्त लाइट, सीलिंग, ये खूबसूरत सा घर आपको आज दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले ज़रा हम पिलमान खाना, एक घर में जो होता है जिसे ज़रा मॉडर्न एरा में ड्राइंग रूम कहते हैं, वहाँ आपको लेकर चलते हैं। तो आइए ज़रा जी ड्राइंग रूम में चलें, दिखाएं कि ड्राइंग रूम कितने साइज़ का है और कैसा दिखता है। आइए ज़रा। अच्छा जी, आप ये देखेंगे 3 सीटर सोफ़ा एक जानब मौजूद है, 2 सीटर एक जानब मौजूद है और 2 चेयर्स बड़ी ज़बरदस्त हैं वो पड़ी है। अच्छा, घर में फर्नीचर की जो अच्छे फर्नीचर की जो अहमियत है वो घर की एक तो कीमत को बढ़ाती है और दूसरा घर की जो लुक है उसको भी चेंज करती है। तो ड्राइंग आपने देखा है, बड़े अच्छे साइज का ड्राइंग है। मैं जरा थोड़ा सा आपको दूर जाके साइज दिखा दूं और ये भी बता दूं कि यहाँ पर बड़ी अच्छी विंडो है जो बाहर की जानिब लॉन है, आप वहां से उसको भी देखकर उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो जो लोग आएंगे गेस्ट, उन्होंने खाना भी खाना है और उसके लिए चाहिए डाइनिंग। आ जाएं ज़रा डाइनिंग दिखा दें आपको। अच्छा जी, ये एक स्लाइड डोर है जो ड्राइंग और डाइनिंग के पास मौजूद है और ये है जी 6 सीटिंग सीटिंग के लिए डाइनिंग। बड़ा अच्छा कॉम्पैक्ट साइज है, बहुत बड़ा नहीं है। आपको लाउंज बड़ा नज़र आ रहा है, लाउंज बड़ा नज़र आएगा। लाइट्स थोड़ी फंकी है। मेरे राइट साइड पर पाउडर रूम है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ज़रा पाउडर रूम आपको दिखा दें कि पाउडर रूम का साइज कितना है। जरा पाउडर रूम अगर इस साइज़ का है तो सोचिए हम वॉशरूम के साइजेस कितने अच्छे होंगे। ये देखिए लाउंज आपको दिखाते हैं, ये है स्टेयर्स फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए। अच्छा जनाब, लाउंज और किचन को साथ मिला दिया गया है, नीचे एक बेडरूम रखा गया है। बहुत ही शानदार और बड़े साइज का किचन है और किचन जो खातूने खाना है वो उनकी सबसे पसंदीदा जगह है और उसके साथ साथ उनका वक्त पूरे दिन में ज्यादा किचन में गुजरता है। और इसके साथ ये बड़ी अच्छी वॉल है, एक बड़ी खूबसूरत सी वॉल या आप ये कहें कैबिन जिन्होंने तैयार किया। यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए फुटबॉल नजर आ रहा है, तो खेल का सामान भी मौजूद है, घर भी अच्छा है। लाउंज के साथ, अच्छा हमने आपको बताया कि नीचे सिर्फ एक बेडरूम रखा गया है, उस बेडरूम में वॉलपेपर और कर्टन वो उस रूम को, रूम की जो लुक है उसको जबरदस्त बना रही है। तो आ जाए जरा मेरे साथ और आपको दिखा दें यहाँ का वॉलपेपर और इस रूम में जो कर्टन है वो बड़े अच्छे हैं जनाब।
बड़े खूबसूरत साइज के आपको कर्टन नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये एक और खास बात है, आप किसी भी तरह के घर में रहें, रूम का साइज बड़ा मैटर करता है। 272 यानी 10 मरला का ये घर है और बड़े एक अच्छे साइज का आप नाजरीन देख रहे हैं कि बड़े जबरदस्त साइज का आपको रूम नजर आ रहा है। बेडरूम बड़ा अच्छा है, जो इन्होंने कैबिनेट्स रखी हैं, वार्डरोब वो रखी हैं इस जानिब, ये देखें जी वार्डरोब है, और जो वॉशरूम है उसका साइज भी अच्छा है। ये है जी किचन, और वो किचन जो ग्रीसी किचन या डर्टी किचन भी कहते हैं, अमूमन किचन के साथ डर्टी नहीं लगना चाहिए, लेकिन एक जबान ज़्यादा आम ये है, तो वो भी यहाँ मौजूद है। या बेबी ये है जी डर्टी किचन, जहाँ पर आप खाना बना सकते हैं। नाजरीन, अभी तो आपने सिर्फ ग्राउंड फ्लोर देखा है, खास चीज, खास रूम्स, बड़े बड़े वॉशरूम, बड़ा कमरा, अभी बाकी है, तो आए जरा ऊपर चले और बताते हैं आपको कि ऊपर क्या मिलेगा आपको। फर्स्ट फ्लोर पर आ गए हैं और ड्राइंग के ऊपर मास्टर बेडरूम बनाया गया है, बड़ा अच्छा फर्निश किया गया, आए दिखाएं। और इस रूम का जो वॉशरूम है वो बड़ा शानदार साइज का है। तो जनाब, ये है एक रूम जो अगेन साइज के एतबार से, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि रूम अच्छे होने चाहिए, तो बड़ी ज़बरदस्त स्पेस है जी, यहाँ हमने बैठ के भी देख लिया। इसी रूम में फिटेड ड्रेसिंग है, LED लगाई गई है, वॉल जो बेडरूम वॉल है उसको तैयार किया गया है, और इस विला में इस रूम के साथ जो वॉशरूम है, चूंकि ये मास्टर बेडरूम है, वॉशरूम बड़ा ज़बरदस्त है। ज़रा तशरीफ लेकर चलते हैं हम अपने कैमरे को, कहते हैं जरा अंदर जाए। अच्छा, आपको यहाँ एक वॉशिंग टब जिसे जकूजी बोलते हैं वो मौजूद है, बड़ा ज़बरदस्त साइज है। फर्स्ट फ्लोर पर भी इन्होंने एक किचन रखा है, जो कि अमूमन फर्स्ट फ्लोर पर इतने साइज के किचन होते नहीं है। जो ब्लैक टॉप है वो आप देख रहे हैं, नीचे कैबिन है, स्टोव है, हॉब है, बड़े ज़बरदस्त यहाँ कैबिन लगाए गए हैं। अच्छा, ऊपर तीन रूम्स हैं, लाउंज है, ये है जी छोटा सा लाउंज एक फैमिली, मुनासिब फैमिली के लिए। दोनों कॉर्नर पर दो बेडरूम्स हैं, एक ये इस जानिब और एक इस जानिब, तो पहले आप आ जाएं जरा करीब, थोड़ा सा आपको दिखा रहे हैं वो बेडरूम। ये जनाब एक और बेडरूम है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर साइज अगेन बहुत अच्छा है, इसको भी सेट किया गया है, लेकिन मेरी राय में जिस तरह मास्टर बेडरूम नीचे वाला तैयार है, ये उससे मुख्तलिफ है थोड़ा फर्नीचर के अतबार से। जिस तरह एक नीचे रूम है उसी साइज का, यहाँ पर कैबिनेट्स हैं और इस जाने वॉशरूम है, वॉशरूम का साइज अच्छा है, आप देख रहे हैं। इस विला का चौथा और किड्स बेडरूम है, आपको कलर से अंदाज़ा हो ही जाएगा, वैसे पिंकी सा रखा गया है, साइज़ भी मुनासिब है। इसका वॉशरूम वो भी आपको दिखाते हैं, तो आ जाए जरा मेरे साथ आप। वॉशरूम बड़े अच्छे साइज का है जनाब, और मेरी आवाज भी गूंज रही है। तो
तो बहरिया टाउन कराची में प्रीसेंट वन में प्लॉट मकान अगर आप चाहते हैं अपना तो इन नंबर्स पर राबता करें, क्योंकि 40% तक कीमतें डाउन हुई हैं बहरिया टाउन में। कंस्ट्रक्शन सर्विसेज अगर आप चाहते हैं तो हमारे साइट्स पर आइए, हमारा जो प्रोजेक्ट्स हैं वो देखिए और फिर फैसला कीजिए, लेकिन शर्त है कि पहले हमारा काम देखें, अगर मजा आए तो हमारे से आप ये सर्विस भी ले सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आप बहरिया टाउन कराची में किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो हम हमारी टीम 24/7 आपके लिए हाजिर है। हमारा प्लेटफॉर्म दरअसल आपका प्लेटफॉर्म है। हमें आज के वीलॉग से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।